Come here. Yes. Hello, Dhananjay. हाँ जी, आप कौन? मैं आफ्ताब बोल रहा हूँ. मुझे तुमसे एक जरूरी काम है. देखो, फिलहाल मैं तुमसे बात नहीं कर सकता. मुझे अपना नंबर दो, मैं तुम्हें वापस फोन करता हूँ. मैं तुम्हें अपना नंबर नहीं दे सकता. क्यों? क्योंकि मैं जेल में हूँ. मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है. तुम कल यहाँ आ सकते हो? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास बहुत काम है, मैं नहीं आ सकता. धनंजय, मैं बहुत मुसीबत में हूँ. देखो, वो सब तुम जानो, मैं नहीं आ सकता. समझने की कोशिश करो. अगर कोई और रास्ता होता तो मैं तुम्हें नहीं बुलाता. फैसला तुम्हारे हाथ में. जय, रिलैक्स जय. ए फौजी, इतने दिन हो गए, ये क्या लगा रखा है सब? हमारा माल अभी तक नहीं पहुंचा. प्रॉब्लम से हमें कोई वास्ता नहीं. सौदे के पैसे मैं एडवांस में मैं पूरे दे चुका हूँ. ए फौजी, तुम सरकारी लोग बेईमानी के काम में भी ईमानदारी नहीं बरतते. जो आदमी हमारा काम नहीं कर सकता, उस आदमी को हम किसी काम के लायक नहीं छोड़ते. याद है मेजर जसवंत? चल चल. आफ्ताब से मिलना है क्या? हाँ. वो घर पे नहीं है. तो फिर कहाँ मिलेगा वो? आओ मेरे साथ. तुमने तो कहा था कि तुम जेल में हो. ये सब मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकता था. तो कम से कम इतना तो बता दो कि मुझे यहां क्यों बुलाया है. मुझसे किसी का माल खराब हो गया है. उन लोगों का काफी नुकसान हुआ है. वो लोग चाहते हैं कि मैं ओके, समझ गया. तो ये सारा नाटक पैसों का था. बोलना कितना चाहिए? 5,000, 10,000, 15,000? हाँ, माल तो 50 लाख का था. 50 लाख? अरे कोई मजाक है? देख, मेरे पास कोई बाप दादा की जागीर नहीं है. जो कुछ भी है मेरी खुद की कमाई है. मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए. मेरी एक चीज ला दो. अस्पताल के पीछे एक गोदाम है जिसमें एक अलमारी है, उस पर एक बैग रखा है, बस फुला दो. अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो उसे मुझे क्या लेना देना है? मैं इस लफड़े में क्यों फंसूं? देखो, मेरी अम्मी की जान खतरे में, और इस वक्त मैं सिर्फ तुम पे ही भरोसा कर सकता हूं. लेकिन उस बैग में क्या है? डरने की कोई बात नहीं है, उसमें एक कीमती चीज है, बस. लेकिन तुम्हारे सब सवालों का जवाब मैं बाद में दे दूंगा. वक्त बहुत कम है, बस वो चीज ला दो. भरोसा रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा.
क्यों साले? तूने तो कहा था कि वहां कुछ भी नहीं है। देख देख इसे, वहां किसी की लाश पड़ी हुई है, खून हो गया किसी का। तुम्हारी तो मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारी मदद करने आया था और तुमने मुझे फंसा दिया। औकात दिखा दी ना अपनी, क्यों फंसाया मुझे? बोल, चाहते क्या हो तुम? मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था कभी। बंदूक लेके खड़ा हूं, किसी ने मेरी फोटो खींच ली। हाथ मत लगाना मुझे। रुक जाओ। ये किया उन लोगों ने अम्मी के साथ। अगर मैं तुम्हें नहीं बुलाता तो वो रोज एक उंगली काटते। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हें तो क्या, बस में हो तो खुदा को भी बुला लो। सुनो, बातचीत बंद करो। चलो मेरे साथ। आदमी कौन है? घबराओ नहीं, गौर से मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? जस्टिस सौराब जी यहाँ मीटिंग में आए हुए हैं और मीटिंग के बाद वो अपनी कार से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। तुम्हें ये पैकेट उनकी कार में रखना होगा। क्या है इसमें? हमारी तरफ से एक चिट्ठी और कुछ रुपए। बिजनेस के जुबान में इसे रिश्वत कहते हैं। तुम लोग पागल हो गए हो? सारे हिंदुस्तान को मालूम है कि जज साहब रिश्वत नहीं लेते। रिश्वत तो सब लेते हैं, सिर्फ अपने अपने तरीके से। तुम ये पैकेट उनके कार में रख दो, बाकी वो खुद समझ जाएंगे। तू क्यों नहीं करता? इसलिए कि जस्टिस सौराब जी के पास जेड सिक्योरिटी फोर्स है। हम वहां बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। वहां कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन तुम वहां पहुंच सकते हो और ये बात हम जानते हैं। कौन है वो आदमी? जितना कहा जाए तुम सिर्फ उतना ही करो। तुम लोग अपना होमवर्क कर चुके हो। देखो, मैं जानता नहीं तुम लोग कौन हो, लेकिन ये काम मैं नहीं करूंगा। तुम करोगे और जरूर करोगे। आपको स्टेटमेंट देना चाहेंगे सर? हाँ, जिस हथियार का काम दुश्मनों के आतंकवाद को रोकना है उस पर भ्रष्टाचार का जंग लग चुका है। जस्टिस सौराब जी, आपका इशारा कहीं ऑफिशियल्स की तरफ तो नहीं है? जी हाँ, ऑफिशियल्स हमारे बॉर्डर पर हथियार है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे कुछ सीनियर ऑफिशियल्स सरहद के पार बिक चुके हैं। लेकिन सर, इस तरह अपने ऑफिशियल्स पे शक करने से उनका हौसला नहीं टूटेगा? भ्रष्ट ऑफिशियल्स को ढूंढ निकालने से ही हमारा हौसला बढ़ेगा। और शक कौन कर रहा है? सारी रिपोर्ट, सारी डिटेल्स इस फाइल में मौजूद है। मैं दिल्ली जा रहा हूं और 24 घंटे के अंदर इसमें से सच निकाल लूंगा और उस सच को पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने रखूंगा। Enough. बोल, कहां भेजा उसको? चलिए आइए। थैंक यू। Thank you.
जस्टिस स्वराज जी। मिस्टर धनंजय पंडित, एम आई करेक्ट? यस सर। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? आपको ढूंढते हुए आ गया सर। मुझे? इट्स ऑल राइट, मैं जानता हूँ इन्हें। सो सर, मैं इंडिया के मौजूदा हालात पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहा हूँ सर, जिसमें आप मेरे हीरो हैं। मैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह आप लड़ रहे हैं सर, उस पर ये फिल्म बनेगी। मैं साबित करना चाहता हूँ सर कि एक ईमानदार ऑफिसर देश के कोने कोने में घूमकर भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत किस तरह इकट्ठे कर रहा है। मेरा कैमरा आपके कार तक में आपके साथ जाएगा सर, ताकि मैं आपका हर पहलू दिखा सकूं। सर, आप जैसे लोग तो हिंदुस्तान के नौजवानों में जागृति लाएंगे। आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। भाई मैं तुम्हारे साथ, लेकिन इस वक्त जरा जल्दी में, मुझे दिल्ली में कॉल करना। थैंक यू सर, थैंक यू योर ऑनर।